आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए आपको दिखाते हैं कौन सी रही अभी तक की वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। पहाड़ों की रानी मसूरी में देर रात फायरिंग होने से दहशत का माहौल व्यक्त हो गया है। आपको बता दें कि कल देर रात देहरादून में आए एक पर्यटक परिवार कार में मॉल रोड पर घूम रहे थे, तभी कार हटाने को लेकर स्थानीय युवा और पर्यटक में मारपीट हो गई। मारपीट ज्यादा होने पर पर्यटक द्वारा हवा में फायरिंग की गई। मसूरी कोतवाली प्रभारी गिरीश शर्मा ने बताया कि देर रात पर्यटक और स्थानीय नागरिक को कार हटाने को लेकर हुए विवाद में बाद में मारपीट में बदल गई, जिसमें पर्यटक के आत्मरक्षा में हवा के फायरिंग की गई। जांच में स्पष्ट की गई कि रिवॉल्वर लाइसेंसी है, बाकी अभी तक दोनों पक्षों की तरफ से पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई। यदि तहरीर दी जाती है तो कानूनी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बेसिकली ये रोड रेजिंग का मामला है। दो एक देहरादून से कोई पर्यटक आए हुए थे यहाँ और कुछ स्थानीय लोगों के गाड़ी को पास देने को लेकर के इनमें आपस में विवाद हुआ, तो इस बीच कुछ स्थानीय लोग और आ गए और उन्होंने उस गाड़ी जो देहरादून से लोग आए थे इनके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसके बाद जो देहरादून का व्यक्ति था इसने अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाई। इस संबंध में एक CCTV फुटेज जो मौके का है वो हमें प्राप्त हुआ है। दोनों पक्षों से अभी तहरीर नहीं आई है और जैसी तहरीर आएगी वैसी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और वैसे पुलिस की अपने स्तर से अलग से इसमें जांच चल रही है। अभी तक के लिए बस इतना ही काफी। बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर।